हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुक करना है मशीन के द्वारा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं स्टेशन पर। उसके बाद आपको बताते हैं कैसे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर टिकट मशीन के पास आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है, यही आपका मशीन है। और दोस्तों, और इसमें आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से ऑप्शन लिखा होगा, प्लेटफॉर्म टिकट आपको यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। मोबाइल में अगर टिकट बुक किए हैं तो उसको भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप टिकट भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुक करना है। सिंपली आपको प्लेटफॉर्म टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं चार ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि एक बार में आप चार प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार आपको यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो जितना भी आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है उतना का आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम चार है तो आप चार ही कर सकते हैं एक बार में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको दो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे दो ही चाहिए, तो मैं दो पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो दो प्लेटफॉर्म पे मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट कैसे करना चाहते हो, वो चीज़ है आपको क्यूआर कोड को दबाओ और नीचे में आप देखिएगा तो आपको जो भी आपका है यहाँ पे आपका अमाउंट दिखा देगा और प्लेटफॉर्म दिखा देगा कितने प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट करना दोस्तों। तो चलिए मैं पेटीएम वाला क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, आप फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भी यूपीआई आईडी से आपको यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करना है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेकंड भी चल रहा है, तो इतना सेकंड के बीच में ही करना, यानी कि ये आपका इतना सेकंड चल रहा है तो लास्ट तक चलेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है और अमाउंट वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको जैसे ही टिकट ये आपका पेमेंट हो जाएगा या जो भी क्यूआर कोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी से, उसको पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे दोस्तों, पेमेंट करने के बाद जो होगा आपका यहाँ पे टिकट आ जाएगा। तो चलिए मैं पेमेंट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको है जो कि आपको अपना जो है टिकट लेना है दोस्तों। हो सकता है कभी कभी आपको टिकट यहाँ पे नहीं दिखेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा अंदर में आपको हाथ डाल के वहाँ से निकाल लेना है दोस्तों, क्योंकि अंदर में रह जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अंदर में हाथ डाल के आप पेमेंट ले सकते, ये अपना टिकट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।